इस बीच एक बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। यहाँ सियांग जिले में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। आपको बता दें कि जहां ये दुर्घटना हुई है वो जगह सड़क मार्ग से जुड़ी हुई नहीं है, वो दुर्गम इलाका जहां सड़क मार्ग के जरिए पहुंचा नहीं जा सकता है। सेना की टीम को रवाना कर दिया गया है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये हादसा कैसे हुआ और फिलहाल किस तरह से वहाँ सर्च ऑपरेशन जारी है? जोशना, ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो कि मिगिंग की तरफ जा रहा था। अरुणाचल प्रदेश का ये मिगिंग का एरिया है, उसके पास की फॉरवर्ड लोकेशन के बेस से ये डेली की अपनी सॉर्टीज के लिए फ्लाई कर रहा था। उसी दौरान करीबन 10:43 पर, अब से कुछ देर पहले, ये जो वेदर कंडीशन है वहाँ पे काफी पैक था और जो टेक्निकल ग्लिच ऐसा एहसास हुआ पायलट को, उसके बाद उसने संभालने की अपने आप को कोशिश की लेकिन कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हुई और फिर उसके बाद जाकर ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इंडियन आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसकी पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है ताकि इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा सके। अभी इसकी इनिशियल जानकारी के मुताबिक अभी जो इसमें जो क्रैश के बाद रेस्क्यू टीम भेजी गई है, इनफैक्ट जो बाकी और आसपास के लोकेशन से यानी मिगिंग के आसपास के जो लोग थे उनको वहां पर भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द जो पूरी लोकेशन है उसको सैनिटाइज करके ये पता लगाया जा सके। और जो इसके अंदर ऑनबोर्ड थे उनकी ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं मिली है और खासतौर पर ये बताया जा रहा है कि जो सिचुएशन है उसको देखते हुए। उनका नंबर सामने आ पाया है, ऑनबोर्ड कितने लोग थे? देखिए, जो अभी जानकारी दी गई है ये बेसिकली एक मिगिंग के आसपास का एरिया है और जो आर्मी का जो फॉरवर्ड लोकेशन है उसके ठीक पीछे की तरफ पहाड़ था, जो मतलब आप समझ लीजिए दो रिज के बीचों बीच का एरिया है, वहां पर ये था। क्योंकि सड़क की कनेक्टिविटी भी नहीं है तो ऐसे में जाहिर सी बात है रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये एक बड़ी चुनौती रहेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।